एडिक्शन काउंसलिंग क्या होती है? बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम काउंसलिंग की मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, जैसे चाइल्ड काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, मैरिटल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, बट ये डी एडिक्शन काउंसलिंग कैसे होती है? क्या उसमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है? क्या इसमें क्या जॉब स्कोप्स हैं? और अगर मैं डी एडिक्शन में ही स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ आफ्टर माय मास्टर्स, तो उसका क्या स्कोप है, क्या सैलरी होगी? सबके बारे में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं RCI रजिस्टर्ड हूँ और अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ डी एडिक्शन काउंसलिंग की स्ट्रीम्स, स्कोप्स, क्वालिफिकेशन और टेक्निक्स जो यूज़ करी जानी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे इस चैनल साइकोलॉजी सीखो को बहुत सारा प्यार देना है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए, हम बात कर रहे थे डी एडिक्शन काउंसलिंग। देखिए, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की लत लग जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारी ज़रूरत बन जाता है, ऐसे में जब आपके दिमाग में, दिल में और आपके आसपास की चीज़ें जब नुकसान में होने लगे, तो अंदर से आवाज़ आती है कि अब इसे छोड़ना ज़रूरी है। और ऐसे में आपका जो इकलौता साथी है वो है आपका डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट, जिसे हम कभी कभार रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो डी एडिक्शन के लिए रिहैबिलिटेट आपको करने वाला है। अगर आप बहुत बार देखें इधर उधर, तो लिखा भी होता है नशा मुक्ति केंद्र और वहाँ पे आप जाकर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बहुत बार बहुत जो अच्छी फैमिलीज के लोग हैं वो नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कभी कभार हमें नहीं सुहाता है। तो अगर हमारे अंदर से अपनी विल है, तो हम क्या करते हैं, एक जो स्पेशलाइज्ड काउंसलर्स हैं या जो ग्रुप सेशंस होते हैं, ऐसे में डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट काउंसलर्स की जॉब मिलती है। जो डी एडिक्शन का पर्टिकुलर, जिसे हम कहते हैं कि टेक्निक है, वो ये कि क्लाइंट को हमने धीरे 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 उसके इस एडिक्शन के जंजाल से बाहर निकालना है। होता एग्जैक्टली क्या है कि आप जब भी कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, एडिक्शन कैन बी ऑफ ड्रग, एडिक्शन कैन बी ऑफ मोबाइल फोन, एडिक्शन कैन बी ऑफ सम सेक्सुअल फैंटेसी, एडिक्शन हो सकता है किसी पर्टिकुलर मूवी देखने का, एडिक्शन हो सकता है कुछ भी, किसी भी चीज़ का एडिक्शन को हम एडिक्शन काउंसलर डील करते हैं। जो भी आप चीज़ ले रहे हैं या देख रहे हैं या कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में हॉर्मोन्स रिलीज करती है, वो आपको क्या देती है, खुशी। जैसे मान लिया आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल ने आपने लिया तो आपका ब्रेन क्या होगा, धीरे धीरे डिसेंसिटाइज हो जाएगा, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, कुछ एंडोर्फिन्स जो आपको क्या हैप्पीनेस देते हैं, वो हैप्पीनेस देती है, आपको लगता है यार आज तो दिन सेट हो गया और आज तो लाइफ ठीक हो गई एंड यू मूव ऑन। बट दैट ब्रेन हैज एग्जैक्टली सेट इट इन सच अ मैनर कि उसको धीरे धीरे उसकी ज़रूरत हो गई। जो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है, वो आपके ब्रेन को इस हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग कर देते हैं कि धीरे 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 आपको जो उसकी लत है वो छूटने लगती है। इतना आसान नहीं होता, शुरू के 2 हफ्ते विच वी कॉल एज 14 डेज आर रियली रियली डिफिकल्ट। ये पूरी साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 21 से 30 से 45 दिन की होती है, हर आदमी में अलग अलग और हर ड्रग की अलग अलग। तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बीइंग अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट काउंसलर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिसिन के चलते चलते, दवाइयाँ तो चलती ही हैं, उसके साथ साथ आपको इतना फिजिकल विल पावर दिया जाए कि वो जो दिमाग के सिग्नल्स हैं, जो कहते हैं ले 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 ले, बॉडी कांप रही है, बॉडी आप बोलते हैं ना अंदर से वो खींच रही है, आपको तरस दे रही है कि भाई पी लो, एक बार और, एक छोटा सा गश और, एक छोटा सा पेग और मे बी एक वीडियो और एक बार गेम और, तो वो आपको बार बार अपनी तरफ खींचेगी और हमें उसे और पीछे की तरफ लेके जाना है, और धीरे धीरे आप डेफिनेटली रिकवर कर जाते हैं। जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम रिकवर हो जाती है, पर डी एडिक्शन जो काउंसलर्स हैं उनका बहुत अच्छा रोल रहता है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन कवर करती हूँ कि क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी स्किल है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं और अगर आप इनसे अटैच हो जाएंगे ना, तो ये आपको इतना कन्विंस कर देंगे कि इनको छोटा सा आपका देने का ही मन कर जाएगा कि चल यार खुश होएगा तो मैं थोड़ा सा दे दूँ। बट आपको बहुत स्ट्रांग रहना होता है, इनको फिजिकली इतना इन्वॉल्व करके रखना होता है, इतने गोल्स चार्ट इतने स्ट्रांग बनाने होते हैं कि वो अंदर से मन नहीं करना चाहिए। डी एडिक्शन काउंसलर का और एक टेक्निक का अगर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ, तो आप देख सकते हैं रणबीर कपूर की मूवी संजू, जो संजय दत्त की लाइफ पे एग्जैक्टली अगर आप वो देखें तो संजय दत्त को एक लिस्ट दिया जाता है कि आपको कौन कौन से अपने एडिक्शन क्या हुए हैं, तो सबको टिक करता है और फिर वो कैसे अपनी लाइफ को चेंज करता है। इनिशियली उसके लिए मुश्किल हो जाता है,
जाता है, वो भीख मांगने तक पहुंच जाता है, झूठ बोलने लगता है, लेकिन फिर वो कैसे अपनी लाइफ को बदलता है और परमानेंटली ड्रग्स से कैसे मुक्ति पाता है, अपनी लाइफ का गोल सेट करता है, ये आप उस मूवी में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। साथ साथ हमेशा समझिए कि जो डी एडिक्शन काउंसलर है उसकी पर्टिकुलर जॉब पोस्ट है, वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, मे बी दिस नशा मुक्ति केंद्र, एज वेल एज सम एनजीओज वेयर दिस एडिक्शन हैज बीन गिवन अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंस, वहाँ पे आपकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट को एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग और प्रोग्राम करना होता है, निमांस में भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ डी एडिक्शन को लेकर स्पेशली काउंसलिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, इनकी इंटर्नशिप करना भी बहुत ज़रूरी है और आप बहुत बेनिफिट कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको आपकी बहुत 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 आयत ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ कि डी एडिक्शन काउंसलिंग आपके दिमाग में घुस गई होगी और एग्जैक्टली आप इस करियर को चूज़ करना चाहते हैं या नहीं वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी सैलरीज हैं, 50-60,000 मंथली अगर आप सेट हो जाते हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्कोप्स बहुत वाइल्ड हैं और एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप कभी भी खाली नहीं जाने वाला, इंडिया के बाहर बहुत जगह आपकी ज़रूरत है। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीइंग मेल एंड अ फीमेल बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, तो आप इसे डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। डी एडिक्शन काउंसलिंग से रिलेटेड इंटर्नशिप के लिए आप मेरे साथ भी इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बने रहें, जुड़े रहें साइकोलॉजी सीखो पर, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होती हूँ। कोई और ऐसा करियर स्ट्रीम है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ साथ अगर आप चाहते हैं मेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, तो आपके पास नीचे नंबर है, उस पर आप पिंग कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम डॉक्टर निया ऑफिशियल। थैंक यू।